Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear teachers and students. I am Rubah from Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशीत इलूम जमात पंजुम बाब नंबर चार तारीख के बारे में पढ़ेंगे. बाब नंबर चार तारीख सफा नंबर 54. बेगम जहां आरा शाह नवाज. मोहतरमा जहां आरा शाह नवाज 1996 में मुगलपुरा लाहौर में पैदा हुई. उनके वालिद सर मोहम्मद शफी पंजाब के समाजी कारकुन और सियासतदान थे. इब्तदाई तालीम के बाद मोहतरमा जहां आरा क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर दाखिल हुई. वो एक बहुत ही होनहार तलबा थी. 1914 में मोहतरमा जहां आरा की शादी बैरिस्टर सर शाहनवाज से हो गई. बेगम जहां आरा शाहनवाज उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानों की मुसन्निफा थी. उनकी नुमाया किताबें हुसन आरा, फादर एंड डॉटर अंग्रेजी हैं. सफ़ा नंबर 55. बेगम जहां आरा शाह नवाज एक सियासतदान, समाजी कारकुन और तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म रुकन थी. बेगम जहां आरा शाह नवाज आल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली खातून रुकन थी. उन्होंने ख्वातीन को तहरीक पाकिस्तान की खातिर आल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत के लिए तैयार किया. 1929 में बेगम जहां आरा शाहनवाज हिंदुस्तानी माशरती इस्लाहात कॉन्फ्रेंस की नायब सदर मुंतखब हुई. 1933 में उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की. 1946 में बेगम जहां आरा शाहनवाज पंजाब असम्बली की रुकन मुंतखब हुई. वो आल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से सिविल नाफरमानी तहरीक और सरगर्म रुकन भी थी. इन्हें जनवरी 1947 में जेल भेज दिया गया, जहाँ पाकिस्तान बनने के बाद वो मगरबी पाकिस्तान असम्बली की रुकन मुंतखब हुई. बेगम जहां आरा शाहनवाज अपवा के बानियों में से एक थी. अपवा की सदर भी रह चुकी थी. बेगम जहां आरा शाहनवाज 27 नवंबर 1979 को लाहौर में वफात पा गई. तो बच्चों, इसमें आपने बेगम शाह जहां आरा के बारे में देखा कि वो एक सियासत में कदम रखने वाली पहली खवातीन थी जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी के लिए काम किया, और इसके अलावा उन्होंने ख्वातीन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जिसमें उन्होंने सियासी माशरती इस्लाहात के ऊपर काम किया, और गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जो है वो शिरकत की. इसके अलावा उन्होंने अपवा के बानियों में से वो एक कारकुन थी, और उसके बाद वो वहाँ की सदर भी बनी. नेक्स्ट है हमारे पास बेगम राना लियाकत अली खान. बेगम राना लियाकत अली खान 13 फरवरी 1905 को पैदा हुई. बेगम राना लियाकत अली खान अपनी इब्तदाई तालीम नैनीताल के एक गर्ल्स स्कूल से हासिल की. उन्होंने इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में एमए की डिग्री हासिल की. लखनऊ यूनिवर्सिटी से हासिल की. बेगम राना लियाकत अली ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 1940 से किया. उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम किया. बेगम राना लियाकत अली ने तहरीक पाकिस्तान के लिए सख्त मेहनत की. बेगम राना लियाकत अली ने अपवा आल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन की बानी और अपवा की पहली सदर भी थी. जब लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने तो बेगम राना लियाकत अली खान मुल्क की पहली खातून अव्वल बन गईं. बेगम राना लियाकत अली खान ने पाक आर्मी और पाक बहरिया के लिए भी काम किया. बेगम राना लियाकत अली खान सिंध की पहली खातून गवर्नर भी तैनात हुई. 1952 में वो अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफ़ीर भी मुकर्रर हुई. 1954 में वो हाईलैंड और फिर इटली में पाकिस्तान की सफ़ीर रहीं. बेगम राना लियाकत अली खान को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज से नवाजा गया. बेगम राना लियाकत अली खान 13 जून 1990 को कराची सिंध में वफात पा गई. तो बच्चों, आपने देखा इसमें राना लियाकत अली खान ने भी किस तरह से बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की तहरीकों में काम किया. इसके अलावा वो सदर अपवा की जो है वो पहली सदर खातून भी रहीं. इसके अलावा उन्होंने पाक आर्मी और पाक बहरिया के लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम किए. इसके अलावा वो सफ़ीर भी बनी. सफ़ीर बच्चों किसे कहते हैं कि जो अपनी पाकिस्तान की, जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए बाहर मुल्क के लोगों के साथ काम करते हैं वो सफ़ीर कहलाते हैं. तो वो कौन कौन से मुल्कों की सफ़ीर रहीं? इटली की और हाईलैंड की. इसके अलावा वो पाकिस्तान की सफ़ीर भी रहीं. उन्होंने सिफारत का जो है वो कौन कौन से मुल्क में सिफारत की? एक तो इटली में और एक हॉलैंड में. 13 जून 1990 में उनका इंतकाल हो गया और वो सिंध कराची में उनकी वफात हुई. बराए उस्ताजा,
कमरा जमात में तहरीक पाकिस्तान के अहम शख्सियात पर रोशनी डालें और उनके बारे में सवाल जवाब का अहतमाम करें। जिद्दोजहद वजूद पाकिस्तान के अहम सियासी वाकियात पर सैर हासिल बहस करें। तहरीक पाकिस्तान पर मजीद मालूमात के लिए जेल में दिए गए इंटरनेट लिंक्स पर विजिट करें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।